हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के गोलगप्पे। तो चलिए देखते हैं सूजी के गोलगप्पे मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं सूजी 2 कप, और इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँगी, और ये मैंने गरम किया हुआ तेल डाला है इसमें, ये गरम तेल है बिल्कुल। और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और ये जब मिक्स हो गया है तो इसमें हम जो है गरम पानी डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम हमें गीला नहीं करना है इसे। बस थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और इसे हम एक डो तैयार करेंगे, और ये एक डो तैयार हो गया है इसका। अब हमें इसे ढक के अलग रखना है ताकि थोड़ा सूजी फूल जाए। अब हम करते हैं गोलगप्पे की पानी की तैयारी। तो इसके लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है गैस पर, और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। ये जीरा जब भून जाएगा तो ठंडा होने पर हम इसे पीस लेंगे, और फिर गोलगप्पे के पानी में और आलू में इसे डाल लेंगे। और ये इमली का पानी है, मैंने इसमें ये भुना हुआ जीरा पीस लिया था, ये डाल दिया है। और स्वाद के अनुसार हम नमक मिर्च, ये स्वाद के अनुसार हम डालेंगे, और एक इसे मिक्स कर लेंगे। और हमने 1 चम्मच जो है चाट मसाला का लिया है, इसे मिक्स कर लेंगे। और ये जो चटनी बनाई है मैंने, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। ये बहुत गाढ़ी थी जो समोसे के लिए बनाई थी, तो मैंने 1 गिलास उसका लिया था, और 1 गिलास मैंने ठंडा पानी डाल दिया था। अब इसे मिक्स कर लिया है हमने, और ये चटनी बिल्कुल ही बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब ये चटनी बन चुकी है, हम इसको साइड कर देंगे। अब जो आलू हैं उबले हुए हमारे पास, 4 आलू लिए हैं मैंने, इसे हम मैश करेंगे हाथों से ही। और 1 प्याज काट दिया है मैंने बिल्कुल बारीक, इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे हाथ से। और 1 बाउल लेंगे, और बाउल में इन आलू को डाल देंगे। अब ये प्याज भी हम इसमें डाल देंगे। अब डाल देंगे ये भुना हुआ जीरा पिसा हुआ था, और नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला का डाला है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो है हमने गोलगप्पे के पानी को भी तैयार कर दिया है, गोलगप्पे के जो आलू होती है जो फिलिंग होती है उसको भी हमने तैयार कर दिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को रख देंगे साइड, और अब हम आटे की तरफ जाते हैं। तो आटे जो सूजी जो है फूल चुकी है, अब हम इसे अच्छी तरह से मस लेंगे। अब ये आटा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसकी 1 लोई तोड़कर रोटी की तरह बेल लेंगे इसे, जैसे हम रोटी बेलते हैं। थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया है ताकि ये जो चकले पे चिपके ना। अब हम 1 कटोरी ले लेंगे, छोटी सी कटोरी है मेरे पास, और इससे हम निशान लगा देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा आटा है हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब हम दूसरी लोई तोड़ेंगे, और इसको भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे, इसी तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे हम, और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसका हम निकाल लेंगे। अभी साथ ही साथ मैंने गैस पर तेल भी रख दिया है, वो गर्म हो चुका है तेल। जो ये बाकी का आटा है हम इसे ढककर रख देंगे, और पहले हम थोड़ा सा तेल को चेक करेंगे। मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया था, और ये देखिए बिल्कुल तेल रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें जो गोलगप्पे बेले हुए हैं, इनको डाल देंगे। मैंने बस 4 गोलगप्पे डाले हैं, और इसी तरह से हमें इन्हें तलना है, तो दबाते हुए हल्का सा ही दबाना है हमें। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये फूले फूले गोलगप्पे बनकर बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, देखिए। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है,
इसी प्रकार हम दूसरा बैच भी डाल देंगे और दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से हम अलट पलट करके तल लेंगे। और ये दूसरा बैच भी तैयार है। अब हम जो है लंबी वाले गोलगप्पे के लिए तैयारी करेंगे और इसके लिए जो है हम इस तरह से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। अब हम इन्हें जो है अलग अलग देंगे और एक एक करके इन गोलगप्पे लंबी वाली गोलगप्पे को हम बेल लेंगे। इसी तरह से लंबे में हमें गोल नहीं बेलेंगे, इस तरह से बेल लेंगे। इस तरह से देखिए, और ये मैं सारे बेल चुकी हूँ। अब हम इन्हें तल लेंगे। और जो ये लंबे वाले सूजी के गोलगप्पे आते हैं तो ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं रहते हैं, ये हम थोड़ा सा ही सेक लेंगे इन्हें। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल बाजार जैसे गोलगप्पे बनके तैयार हैं। ये सारे गोलगप्पे मैंने बना लिए हैं और ये लंबे वाले गोलगप्पे हैं देखिए, और ये गोल वाले गोलगप्पे हैं, दोनों प्रकार के मैंने बनाए हैं। अभी मैं इनको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कैसे टूट रहे हैं। ये देखिए, ये टूटने से ही पता चलता है कि कैसे बने हैं गोलगप्पे। अब हमें इनमें जो है आलू की फिलिंग को भर लेंगे और अब हम जो है खट्टी मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी में डुबो कर इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी गोलगप्पों की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।